हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका भयानक पठान दोबारा आ गया एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो टाइम हो रहे हैं 7:30 और आज सुबह उठने की वजह यह है कि हम जा रहे हैं जिम। सुबह जिम क्यों जा रहे हैं, कोई ऐसी खास रीज़न है नहीं, बस हुई बात कि हाँ भाई सुबह आएंगे तो हम इसलिए सुबह जा रहे हैं। और अभी जस्ट उठे हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाएं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी हम जिम आ गए हैं और नींद अभी भी बहुत तगड़ी आ रही है। और देखो आज क्या करते हैं, जो भी है ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, बस बता दूंगा थोड़ा बहुत, म्यूजिक में शॉर्ट्स डाल दूंगा क्योंकि गाने बज रहे हैं धमाधम एकदम। तो जी हम जिम से घर आ चुके हैं और आज हम जा रहे हैं अपने, मतलब जो हम सोच रहे हैं, हम बहुत दिन से कह रहे हैं कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है। उसका रिसर्च तो हमने वैसे कर ली, अब उसका सारा हिसाब किताब पता कर लें। रुक जाओ, तैयार होता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। और भाई शक्ल भी साथ जा रहे हैं। तो इतने दिनों से मैं कहता था कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है। जी हाँ, पूरी रिसर्च हो चुकी है और हम जा रहे हैं अभी फैक्ट्री पता करने, पूरी नॉलेज लेने। और भाई शक्ल हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि बड़ा काम है। हम कोई रिस्क विस्क या कोई डाउट, जितने मतलब हमें नॉलेज नहीं है उतना पापा को नॉलेज हो सकती है, इसलिए हमने कहा जी भाई शक्ल तुम भी चलो। पापा ने खुद कहा कि मैं भी चलता हूँ, मैंने कहा चलो। तो अभी जस्ट बैठे हैं तैयार वैयार होके। देर हो रही है, अरे 5 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ। तो आप सोचेंगे फोन में पैसे कैसे कमा रहा हूँ। भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक ऐप जहाँ पर आप नॉर्मल आइडिया से थोड़े हिंट के साथ थोड़े मोड़े पैसे घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है बिनामो। बिनामो यूज कैसे करते हैं आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी कुछ ऐसा खुलता है बिनामो, आप रियल अकाउंट में पैसे दे सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, यहाँ से आप इन्वेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से असेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम कोई परेशानी आती है तो यहाँ आपको मिलता है सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ आप इनकी डायरेक्ट टीम से 24/7 कोई भी इशू हो आप इनसे अपना कॉन्टैक्ट करके वो इशू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, ग्राफ के भी यहाँ 2-3 ऑप्शन है, जैसे माउंटेन्स लाइंस कैंडल्स बार्स। मैं आपको कैंडल्स में करके दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा समझने में ईजी हो जाता है। रेड का मतलब ये है कि यहाँ से ये डाउन गया है, ग्रीन का मतलब वहाँ से अप गया है। तो जैसे कि बस मुझे लग रहा है ये जाएगा अप, तो मैंने कर दिया है अप पे क्लिक और अब मुझे करना है थोड़ी देर वेट। तो आपने देखा आपके ही सामने मैंने कॉमल से आइडिया थोड़े हिंट के साथ पैसे अर्न कर लिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, आप भी ट्राई करिए और अब हम चलते हैं अपने काम के लिए, आ जाओ। डलवा रहे हो आज पैसे, दे दो बस दे दो। तो जी बिजनेस के बारे में बताना मत, बस ये बताओ आइडिया कैसा लगा। सही है, सारी जानकारी लेकर आएंगे आज। वैसे आइडिया कैसा है? अरे आपने आइडिया तो यूनिक चला है, पूरे जाम लगा हुआ है बिना बात का। पता नहीं पापा देखने गए हैं बहुत देर से, भाई सब बैठे हुए गाड़ी में। भाई शकील को जोश आया, क्या मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है। तो भाई शकील गए उतर के जाम देखने के लिए कि लगा हुआ क्यों है। और यहाँ पर तो भाई जिंदगी में कभी जाम नहीं मिला है मुझे, आज अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और यहाँ जाम मिला हुआ है। तो जी जाम वाम से निकल गए, वो तो बहुत लंबा ही जाम था। फिर हमने इधर उधर से गली वली लेकर थोड़ा लंबा रूट लेकर अब हम आ गए हैं द्वारका और सेक्टर 1 की रेड लाइट पर खड़े हैं अभी। दिल्ली का जाम कैसा लगा? बहुत टाइम बाद जाम देखा है, है? बड़ा बुरा हाल हो रहा है जाम ये तो कुछ नहीं है, अभी तो ऑफिस टाइम जब जाएंगे जब अभी तो हाल होगा, जाते में होगा ऑफिस टाइम। तो जाओ जी मिलते हैं, काट लेंगे गाड़ी। भाई शकी ले रहे हैं और हम आए हैं बाड़े। भाई ओसामा मीट भाई शकील। दावत है हमारी, दावत माँ के अलावा मेरे को तो कुछ खिलाया नहीं कभी जिंदगी में तूने। तो जी 4-5 दुकानों के बाद एक और फिर आए, हर जगह निराशा ही मिल रही है। यहाँ देखो क्या होता है,
तो जी जस्ट अभी घर आए हैं, बस बैठे हैं आकर, कपड़े वपड़े चेंज करे हैं। और भाई मतलब ये मानिए कि बहुत सारी चीज़ें हमें नई पता चली, बहुत सारी चीज़ें हमें अभी भी पता नहीं चली हैं। मतलब एक दिन के बाहर जाने पर हमें अच्छी खासी हमारी नॉलेज गेन हो चुकी है, पर जल्दी मतलब ये मानिए एक दिन में इतनी सारी नॉलेज मिल गई, दो चार दिन के चक्कर और लगेंगे, फिर हम फाइनल कर देंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी आपको खुशखबरी पता चल जाएगी। बस आपको सपोर्ट दिखाना है यार जितना हो सके, क्योंकि पहली बार कुछ इतना बड़ा काम करने वाले हैं हम कि मतलब मज़ा आएगा। ठीक है जी, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो अभी आए हैं, थके हुए हैं, थोड़ा आराम आराम करते हैं और आगे कुछ होता है तो आपको बताते हैं। तो जी हम घर आ गए हैं, अब डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा आपको भी सुना है। तो भैया ये बताओ पहले नाम कैसा लगा, बिल्कुल जेन्युइन बताना है। नाम नहीं, नाम बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आईडिया में कुछ 19-20? अरे आईडिया तो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह चल जाना चाहिए। 19-20 कुछ जो आज क्या क्या चीजें पता चली फिर आपको, कुछ नई चीज पता चली आज बाहर जाकर? मैं तो क्या पता, आपको लिए ले गए थे दिखाने के लिए, पता आप बताओ क्या लगा आपको, कैसे लगी? नाम वैसे सही है, एक बात बताओ भाई। तो और वैसे जब पहली दुकान पे गए थे वहाँ सही था सारा सिस्टम, या अभी रमजान स्टार्ट होने? अभी देखो, अभी तो एक कहना चाहिए एक तरह से ABCD है। एक दिन में गए हैं अभी, हाँ, तो एक दिन में इतनी चीजें पता चल गई, ये तो बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत होनी चाहिए हर चीज के बारे में, जब करो जिंदगी में उसके अंदर घुस जाओ पूरा। तो मतलब ये मानो एक दिन में जाके इतनी सारी चीजें पता चल गई, फिर अभी दो तीन दिन और चक्कर लगेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, देखो अभी तो पता करेगा, लगेगा जब घुसो किस चीज में, पता होगा। क्या लग रहा है वैसे तुम्हें? अरे बढ़िया है माशाल्लाह सब कुछ है। अरे ठीक है, कोई आदमी काम कर चल जाएगा, चलने की उम्मीद है कुछ? होते होते होता, किसी बात का पता थोड़ी होता है। कुछ चलने की उम्मीद है वैसे आइडिया से, मतलब जो चीज हम निकाल रहे हैं उसकी कुछ उम्मीद है हल्की फुल्की? इंशाल्लाह सब बढ़िया चलेगा, कोशिश करना इंसान का काम है, बाकी तो अल्लाह ताला का निजाम है, चलना चलना क्या कर सकते हैं। अगर अगर आगे जाके बहुत बढ़िया काम हो गया, लोन लेने से अच्छा तुम उधार दे दोगे पैसे? उधार की जरूरत नहीं पड़ने की है। नहीं उधार देना उसमें, तो फिर तुम अपना उसमें तो तुम अपना मांगोगे ना? ना उधार का चक्कर नहीं है, इसमें जरूरत नहीं पड़ने की तुम्हें काम इंशाल्लाह। अगर काम बहुत बढ़ गया पैसों की जरूरत, बैंक से लोन क्यों लूं? अरे लोन क्यों लूं, घर का पैसा घर में रह जाएगा। देने के लिए चलो, बाकी सही था सारा सिस्टम। बर्थडे पे करके देखो, बता दो बर्थडे पे लॉन्च होगा और पहले पता चल जाएगा है क्या। बर्थडे पे सोच रहा हूँ मैं अपने करने का, बर्थडे पे निकाल देंगे। आपने कुछ कराएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, करने के बाद तो पता रहेगा। ठीक है, चलना चलने को सपोर्टिंग है, ऐसे कह दो पूरी है। हाँ कह दो पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तेरा बाप बैठा है, ऐसे कह दो। बाप जिंदा बैठा है, ले ही रहो मौज, तो उसमें कसर कसर क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ अगर कल को कुछ नहीं पता, देखो ऐसे नहीं था ना, एक भी मौज कितनी ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, साफ सुनो साफ सुथरे। अगर आगे कहीं चल गया चलो, हाँ जी बिल्कुल ले दूँ पैसे, एक भी अपने बलबूते पे करो जो करना। नाइस है जी, चलो जी गुड नाइट कर लो जी। तो जी ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, ज़्यादा चीज़ें हम खुल के इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि थोड़ा सस्पेंस खेल लेते हैं ना, मज़ा आता है थोड़ा सस्पेंस खेलने में। और जो भी आएगा भाई आपको पता चल जाएगा, आपके लिए ही चीज़ें आएंगी और आप सपोर्ट करोगे तो मज़ा टू मच फन हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आपको गेस हो गया है कि क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है मेरे को कमेंट में बताना, और नाम भी मुझे ना कमेंट में बताना। नाम मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नाम भाई बहुत क्लोज है मेरे से बहुत क्लोज था, मैंने वही नाम रखा है। आप वो अगर गेस कर लिया है तो मेरे को कमेंट में बताना, और बस जल्दी गुड न्यूज़ आएगी और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।